इंडिया में कई तरह के कास्ट और कई तरह के रिलीजन्स हैं, लेकिन इन्हीं कास्ट और रिलीजन्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया था। 1857 रिवोल्ट, इंडियंस की सबसे पहली कोशिश आजादी के लिए। यहाँ पर देश के सभी मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख और सभी कास्ट एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश को हिंदुस्तानियों की ताकत बता दी थी। हालांकि वो जीते नहीं थे, लेकिन इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दिक्कत ये थी कि ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करने आए थे, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में यूनिटी देखकर वो समझ गए थे कि अगर इन पर राज करना है तो इनकी यूनिटी तोड़नी पड़ेगी। तो 1860s में हर्बर्ट होप रिजली ने हमारे देश पर ये पॉलिसी अप्लाई करी, जिससे लोगों के बीच में नफरत फैल गई। और ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी में ये हुआ कि इन्होंने देश के लोगों को कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। हर कास्ट को एक रैंक दे दी, जिससे अपर और लोअर कास्ट का फर्क ज्यादा होने लगा। बल्कि मजहब का भी गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उस वक्त के मुस्लिम जमींदार को अपनी तरफ कर लिया और उन्हें हिंदूज के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1949 में इंडिया आजाद तो हुआ, ब्रिटिशर्स चले भी गए, लेकिन ये ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम का फर्क वहीं रह गया।